लेट प्रैक्टिस। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? आज के इस वीडियो में हम बहुत ही छोटे और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस के बारे में सीखने वाले हैं, जिसे सीखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सीखते हैं। इससे पहले, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेल मी, मुझे बताओ। टेल मी, मुझे बताओ, एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जैसे आपका दोस्त कुछ छुपा रहा है तो आप उससे पूछेंगे टेल मी इंग्लिश में। दूसरा सेंटेंस है, शॉर्ट सेंटेंसेस हैं ये। टेल हिम, उसे बताओ। टेल हिम, उसे बताओ। आपने किसी को कहा कि अगले व्यक्ति को कुछ बताओ, ठीक है, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं टेल हिम। अगला सेंटेंस है, आई थिंक। आई थिंक, मुझे लगता है। आई थिंक, मुझे लगता है, या फिर मैं सोचता हूँ कि, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे, कि वह वहाँ मुझे जाना चाहिए, तो आई थिंक, मुझे लगता है, वह सही हो सकता है, आई थिंक, ठीक है। आई नाउ, मैं जानता हूँ, इसका हिंदी मतलब होता है मैं जानता हूँ। आई नाउ का हिंदी मतलब होता है मैं जानता हूँ। आप किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो वहाँ पर आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कि मैं जानता हूँ, आई नाउ, ठीक है। अगला सेंटेंस है, आई एग्री। ये बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। आई एग्री को कहते हैं मैं सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ। अगर आपसे कोई कहता है कि आर यू एग्री, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं यस आई एम एग्री, मैं इससे सहमत हूँ, ठीक है। आई हियर्ड इट, आई हियर्ड इट मतलब होता है मैंने सुना। आई हियर्ड इट, मैंने सुना, मतलब कुछ चीज़ होता है, जैसे कि कोई चीज़ सीलों से सुनाई देती है तो आपने उसको सुन लिया, या फिर तेज़ी से भी सुन लिया, फिर भी आप वहाँ पर बोल सकते हैं आई हियर्ड इट, मैंने सुना। आई आस्क्ड, आई आस्क्ड का हिंदी मतलब होता है मैंने पूछा। जैसे कि आपसे कोई कहता है कि जाओ उससे पूछ के आओ, तो आप वहाँ पे पूछ के आएंगे तो उसको बोलेंगे कि आई आस्क्ड, मैंने पूछा, या फिर आपने कोई सवाल पूछा, फिर भी आप बोल सकते हैं आई आस्क्ड, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई वेटेड। आई वेटेड, मैंने इंतज़ार किया, या फिर मैं इंतज़ार किया, ठीक है। आई वेटेड, मैं इंतज़ार किया, मतलब आप किसी का वेट किए, आपने काफ़ी टाइम से बैठे थे, आपको उसका इंतज़ार किए, तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं आई वेटेड। किसी को बताते समय आप बोल सकते हैं आई वेटेड, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई आस्क हिम, उससे पूछो, ठीक है। आस्क हिम, उससे पूछो, मतलब अगर कोई मतलब मैटर हो गया है तो आप, या फिर कोई चीज़ आप किसी को पता है तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं उससे पूछो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये एक वर्ड है, रिसेंटली। रिसेंटली का हिंदी मतलब होता है हाल ही में। हाल ही में मतलब अभी अभी जो कोई काम हुआ है उसे हम कहते हैं रिसेंटली। ये आपको काफ़ी जगहों पे देखने को मिलता है, रिसेंटली, हाल ही में। नेक्स्ट सेंटेंस है, देन अगेन। देन अगेन का हिंदी मतलब होता है तो फिर। तो फिर, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि उसने कहा कि मैं वहाँ जा रहा था, तो आप वहाँ पे फिर बोल सकते हैं तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब जाने के बाद, मतलब जा रहे थे उसके बाद क्या हुआ, आप उससे पूछने के लिए देन अगेन बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट है, ओके। ओके को कहते हैं अच्छा। ओके मतलब आप ही इस समय में, मतलब सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले में से एक है, शब्द है, तो इसका उपयोग बहुत होता है, जैसे ओके हुआ, गुड हुआ, ये सब बहुत ही ज़्यादा उपयोग होने वाले शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, एंड यू। एंड यू का मतलब है, जैसे हिंदी में अपना बताओ, जैसे कि हम किसी से पूछते हैं हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो वो रिप्लाई में दे सकता है हमको एंड यू, कहेगा अपना बताओ, मतलब वो कहेगा आई एम फाइन एंड यू पूछेगा, ठीक है। तो एंड यू का मतलब होता है अपना बताओ।